एआई बॉट एक कंपनी ने बनाया, जिसके वजह से 90% उसके स्टाफ जो है वो हटा दिए, मतलब जॉब से उन्हें निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। तो ऐसे न्यूज़ आप नेट पर बहुत देखते होंगे। और आज का हमारा टॉपिक यही है कि भाई एआई जो सिस्टम है क्या इतना पावरफुल है या फिर होने वाला है, जो आपके जो सॉफ्टवेयर जॉब है इतना लुक्रेटिव जॉब है जिसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है, आपको रिप्लेस कर देगा और आपका जॉब चला जाएगा। फिर अगर मान लो किसी ने अपना सब कुछ दे के पढ़ाई करा या फिर अपने सब कुछ दे दिया सॉफ्टवेयर फील्ड को, और 40 साल 35 साल की उम्र में उसको लगा कि भाई मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मेरे को निकाल दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ एआई, तो क्या होगा मेरा फिर? उस टाइम आप नया टेक्नोलॉजी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल सीख के तो नहीं जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन टू यू? तो इस वीडियो में बिल्कुल बैलेंस, एक्यूरेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एग्जैक्टली चल रहा है मैं आपको बताऊंगा, ताकि कोई भी गलतफहमी आपके दिमाग में ना हो इस टेक्नोलॉजी के बारे में। बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा कि फंडामेंटल चीज क्या है, क्या है एआई, क्यों इतना इसके बारे में बातें हो रही है, क्या ये पहले था, ये भी हम बात करेंगे। कब से आया है इसका एग्जिस्टेंस मार्केट में? बहुत सालों से है, ठीक है। आप बोलोगे डेटा साइंस जब से है तब से एआई है, बट अभी इतना पावरफुल कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ डेटा साइंस। वो अभी चीजें हैं, बट डेटा साइंस इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ जानकारी दूंगा, एक दो नहीं बहुत कुछ जानकारी दूंगा मैं, और लास्ट में या फिर बीच में बताऊंगा भाई आप कोई भी कंफ्यूजन है आपको अपने फ्यूचर को लेके, वन ऑन वन आप वीडियो काउंसलिंग चाहते हो मेरे से और साथ में बहुत सारी चीजें और चाहते हो, ताकि जो वीडियो काउंसलिंग का फी होता है ऑलमोस्ट फ्री क्या और फायदा होता है आपको, बट ओनली फॉर नेक्स्ट 45 और 46 स्टूडेंट्स। 100 बच्चों के लिए था, 55-60 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उससे ज़्यादा मेरे मैं कैटर नहीं कर सकता, टाइमिंग का प्रॉब्लम है भाई, तो जल्दी एक्शन लेना है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि क्या इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगा। उससे पहले और एक आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, अगर आपको वो मिल जाता है तो ठीक है। वो है एक और एक आर्टिकल आया था, 4000 जॉब लॉसेस टू एआई, ऐसे कुछ आया था एक आर्टिकल। हाँ, लॉस्ट, सो अराउंड 4000 इंडिविजुअल लॉस्ट देयर जॉब्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मे, एक महीने में इतने जॉब्स गया है। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे आउटलुक इंडिया है, सीबीएस न्यूज है, उसके बाद इंडिया टुडे है, बिजनेस टुडे है, इन बहुत सारे न्यूज आउटलेट ने इस आर्टिकल को कवर किया था कि भाई 4000 लोगों का जॉब चला गया। और आप और एक चीज देखेंगे, यूएस मार्केट में जब से चैट जीपीटी आया है बहुत सारे काम जो है एआई कर रहे हैं, इवन जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे ही मैंने फीडबैक लिया इसके बारे में कि भाई आप क्या सोचते हैं, बिकॉज हो सकता है मैं जो सोचता हूँ वैसा मार्केट ना हो। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ हमेशा कि भाई प्रॉपर मैं इंफॉर्मेशन निकालूँ, ताकि आपको इंडस्ट्री बेस्ड मेरा थिंकिंग एक बढ़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज आपको मिल पाए हर वीडियो से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल, भाई एआई है क्या। सो एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। आप में से बहुत सारे होंगे जो बोलेंगे हमें फुल फॉर्म पता है, बाकी आगे बताओ। देखिए बहुत सारे को फुल फॉर्म मुझे पता है, मीनिंग समझाता हूं। आर्टिफिशियल मतलब क्या है? नेचुरल नहीं है। इंटेलिजेंस हमारे दिमाग से रिलेटेड है भाई, अपने दिमाग, आपका इंटेलिजेंट, आप कैसे इंटेलिजेंट बनता है, आपका इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, समझ रहे हो? सो नेचुरली इंटेलिजेंस हम बनाते हैं एक सिस्टम में, ताकि वो एक पर्टिकुलर काम कर पाए, पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर पाए। जैसे आपके चैटबॉट, पहले क्या था भाई, पहले क्या था आपको बताता हूँ। आप इधर से चैट भेजते हाय, उधर से एक बंदा बैठा होता था हेलो बोलता था,
अब क्या हुआ है इसको, जिसको आप AI बोल रहे हैं, अब क्या करा इन्होंने कि भाई जो भी उन्होंने देखा कौन कौन से क्वेश्चंस लोग इन जनरल पूछते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम लोग इन जनरल फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम को उन्होंने सिस्टमेटिक, जैसे एक वेबसाइट होता है वहां पर उन्होंने डाल दिया, आप प्रॉब्लम सर्च करेंगे उसका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो एक बंदा उन्होंने जो बैठा रखा था उस सोल्यूशन उसको निकाल दिया। अब सोचो कितने लोग एक साथ सर्च करते होंगे और कितने लोगों को दूसरा बंदा चाहिए होगा उसका सोल्यूशन देने के लिए। तो जो सिमिलर काम थे, मतलब सिमिलर तरह का प्रॉब्लम है उसमें कुछ और नहीं है, तो उसने क्या करा उसका इंफॉर्मेशन को एक जगह पर पैक करा और डाल दिया। जो भी सर्च करता उस इंफॉर्मेशन मिलता, उस इंफॉर्मेशन लेके वो क्या करता भाई, वो अपना इटरेशन करता, प्रॉब्लम को सॉल्व करता। तो उससे क्या हुआ भाई, अगर मान लो 10 बंदे चाहिए थे कोई काम करने के लिए, अब कितना चाहिए, एक बंदा चाहिए, मतलब 90% की छुट्टी। जो वहां पर देख रहे हो आप 90% बंदों को जॉब से निकाल दिया बिकॉज ऑफ AI बॉट। और उससे कंपनी को ही फायदा क्या हुआ, जो प्रॉब्लम 1 घंटे में सॉल्व हो रहा था वो फ्यू मिनट्स में सॉल्व हो रहा है लोगों का। तो 9 बंदे जो निकाल, 90% मतलब 10 में से 9 बंदे जो निकाल दो क्या करेंगे, अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो, जब आप मतलब लगा लो 35 साल उम्र होंगे, 40 साल उम्र होंगे, तो क्या करेंगे आप, क्या ऐसे आपके साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है आपके साथ, ये सच बात है, ये हो सकता है जी आपके साथ, इनके साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो सकता है। क्या ऐसा पहले हुआ है? बिल्कुल हुआ है पहले भी, 2000 के आसपास या 1995 से लेकर 2002 दिन तक कॉल सेंटर बहुत बूम में रहा। बहुत सारे मेरे जो कजन है उनके जो फ्रेंड्स थे वो कॉल सेंटर में जॉब करते थे। भाई ऐसे लोगों में जानता हूँ जो कॉल सेंटर के जॉब में TL थे, 1-1 लाख सैलरी था उस टाइम 1 लाख मतलब अभी कितना, 2.5-3 लाख पर मंथ सैलरी चला था, लेकिन एकदम से गायब हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस चैट थिंग, चैटबॉट थिंग। और चैटबॉट आज का नहीं है, ये चैटबॉट भाई काफी साल पुराना है, मैं तो इसको अच्छे से जानता हूँ 8-10 साल से। AI, तो AI जो आप AI कर रहे हैं भाई, AI इतना नया नहीं है। आप जो यूज करते हैं ChatGPT ऐसा चीज भाई, हमारे जो मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग करता हूँ, करता भी था पहले, काफी साल से कर रहा हूँ, लगभग 14 साल से कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। सो ChatGPT का यूज, ऐसे जैसे सॉफ्टवेयर से यूज, मेरे जितने ब्लॉगिंग बहुत सारे कम्युनिटी के लोग, मैं भी थोड़ा बहुत यूज करा, इतना ज्यादा नहीं, वो यूज करते कितने साल से भाई, 5-6 साल से यूज कर रहे हैं। फर्क क्या है, वो उस टाइम पेड था, ये अब क्या है, फ्री भी है पेड भी है, इसलिए बहुत ज्यादा। अब क्या है भाई, कोई भी चीज नया निकलता है, यूट्यूबर को कंटेंट नया मिलता है, वो वीडियो बना देते हैं आप देखते हो, और फिर दूसरा और एक वीडियो सेम तरह का एल्गोरिदम होता है, और एक वीडियो देखते हो, और एक वीडियो देखते हो, उससे क्या होता है वो चीज बहुत पॉपुलर हो जाता है, लोग मास में देखते हैं, तो मास में इंफॉर्मेशन जल्दी फैलता है, पहले इतना जल्दी फैलता नहीं था। समझ रहे हैं बात, इन डेप्थ और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 1-on-1 सेशन। मैं आपको बताऊंगा भाई क्या क्या टेक्नोलॉजी ऐसा है जो AI खा नहीं सकता, आप कैसे इस 1% में इसमें आ सकते हैं, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। तो कौन सा फील्ड करें जो AI के बस की बात नहीं है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, बस की बात नहीं है मतलब कि AI उसको कभी भी टेक ओवर नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है। और एक चीज आपको बता दूं, जो आप लोग देखते हैं ना वीडियो आ रहा है, वीडियो बन जाता है, इमेज डालो वीडियो बन जाता है, मुंह से आंख से एक्सप्रेशन आता है, थोड़ा अजीब सा लगता है बट चलो बनता है भाई, ये टेक्नोलॉजी भी आज का नहीं है। मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ, फर्क यह है अब फ्री प्लस पेड है, पहले क्या था पेड ही था, फ्री में था नहीं, तो ये नया नहीं है, बहुत पुराना है, 5 साल से मैं ही जानता हूँ, वह पता नहीं उससे पहले से वो कितने साल से होगा। सो पहले उससे पहले आपको बता दूं भाई, अगर आप फ्यूचर के बारे में टेंस हैं, आपको पता नहीं लग पा रहा है क्या करूं, या फिर आप जानते भी हैं कि इसको मुझे करने से मुझे फायदा मिलेगा, अगर आप कंफर्म होना चाहते हो, अगर टेंशन थोड़ा कम करना चाहते हो, सो कम टू माय लाइव 1-on-1 सेशन, आप होंगे मैं होऊंगा जो प्राइवेट होगा। इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें मैं आपके साथ, हालांकि हर वीडियोज में देता हूं मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस दूंगा इस फील्ड का, 15 साल से मैं एनालिसिस कर रहा हूं इस फील्ड को, क्या पढ़ के लोग क्या बने, क्या करके लोग बर्बाद हो गए, क्या करके लोग बहुत अच्छा हो गए, बहुत अच्छी पोजीशन पे चले गए, समझिए। तो ये 15 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ इस फील्ड के बारे में, पूरा इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड के फील्ड के बारे में। तो दैट यू विल गेट वीडियो जैसे मिलता है वैसे यहाँ मिलेगा आपको, 15 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा,
15 मिनट के आसपास का होगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है, पैसा एक्स्ट्रा लेता नहीं इसके लिए, ठीक है। अभी कितने सीट्स खाली हैं भाई? 46, 100 बच्चों को मैंने दिया था, 54 ले चुके हैं, और 46 बच्चों को मैं स्लॉट दे सकता हूँ, इस महीना का यही स्लॉट है, बाकी फिर मैं दे नहीं पाऊँगा, बड़ा मुश्किल है, तीन स्लॉट से ज़्यादा मेरे को देना। वैसे भी मैं 4-5 स्लॉट एक दिन में दे चुका था पहले, बिकॉज मतलब बहुत सारे बच्चे आ गए थे, तो फिर इकट्ठा हुआ था, मेरे बस की बात नहीं होता फिर संभालना, ठीक है। बिकॉज बच्चे को टाइम देना होता है ना, पर्सनल टाइम, उसमें भाई सोचना पड़ता है, मेरा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं एक वीडियो बनाया लाखों देख लिया, ऐसा नहीं होता भाई, उसमें एक बंदा ही होता है, उसको समझाना होता है, उसका प्रॉब्लम को जानना होता है। तो अभी प्राइस जो है 999 rupees है, बट खाली 999 rupees नहीं है, ये फ्री हो जाता है। कैसे? आप जो भी हैं, मैं आपको प्राइम मेंबरशिप दूंगा, इसमें अभी 10 courses हैं, बट सून इसमें कोर्सेज का संख्या बढ़ेगा। इसका प्राइस कितना है? 2500 रुपया का है, लेकिन आपको क्या मिल जाएगा? उस काउंसलिंग सेशन को जो बाय करता है 999 rupees दे के, सो काउंसलिंग तो मिलता है, साथ में 2500 का पैकेज जो है फ्री मिलता है। इसमें जो कोर्स ऐड करेंगे हम नेक्स्ट 1 ईयर तक, वो भी आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। इसका वैलिडिटी वैसे 1 साल है, बट अगर थोड़ा अगर मान लो बोला बढ़ा दो जी 2 महीना, बढ़ा देते हैं, पैसे लेते नहीं उसके लिए। इसमें क्या क्या मिलेगा देखो, C++ में हम क्वीज भी डाल रहे हैं, सी में भी डाल देंगे आगे, हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए। इसका हिंदी वर्जन भी आपको मिलेगा, इंग्लिश वर्जन मिलेगा, दोनों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, कंटेंट राइटिंग, कन्वर्ट योर पैशन टू प्रॉफिट, मतलब ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएंगे इजीली, यूट्यूब सक्सेस, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाओगे, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाओगे। इसमें वेरी सून ऐड होने वाला है ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, किसी वीडियो में बताया नहीं, मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी में जो काउंसलिंग सेशन बाय कर चुके हैं उनके लिए फ्री है, जो करेंगे उनके लिए फ्री है। वो क्या है? मनी मेकिंग चैलेंज। ये क्या है भाई? कोई भी बंदा हो ऑनलाइन वो पैसे कमा सकता है। मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं इसमें सक्सेस गेन कर चुका हूं, आप भी कर सकते हैं। ये चैलेंज जो है लाइव कोर्स होगा, रिकॉर्डेड वीडियोज इसके मिल जाएंगे, ये फ्री होगा सारे बच्चों के लिए, जो बेसिकली एक मास्टरमाइंड मेरा प्रोग्राम आता है उन बच्चों के लिए फ्री है, जो ये कोर्स बाय कर रहे हैं उनके लिए फ्री है। वैसे इसका प्राइस अलग से मैं रखूँगा, लगभग 499 rupees का, जब मैं लूँगा बता दूंगा। ये सुपर्ब अमेजिंग कॉन्टेंट होने वाला है, मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में डालूंगा मैं, बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम में, लगभग 20 लेक्चर्स में ख़त्म कर दूंगा, 20 लाइव क्लासेस ख़त्म, और आप इट इज़ फॉर श्योर यू विल मेक मनी अगर आप स्टेप्स को मेरे फॉलो करते हो, इवन 70%, 60%, इवन 50%, जो मैं 100% स्टेप बताऊंगा, 50% ही फॉलो कर लोगे आप, और बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसान है फॉलो करना, आप पैसे कमाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। दैट्स नॉट ऑल, मेरा और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूँ 90% बच्चे स्ट्रगल करते हैं इंजीनियरिंग में, बिकॉज उनको पता नहीं इंजीनियरिंग कैसे पढ़ना है। मैं वो सिखाऊंगा कैसे स्मार्ट तरीके से इंजीनियरिंग पढ़ोगे, ताकि आपका प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम मतलब इंजीनियरिंग के लिए हो जाएगा, नॉलेज भी आएगा, एज वेल एज भाई और क्या होगा, कंपटीशन के प्रिपरेशन साथ में होगा, ताकि कंपटीटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग का इतना जरूरत आपको ना पड़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे एग्जाम में लिखना है। भाई ये लिखने के चक्कर में लिखना नहीं आता, इसलिए रिपेयर आता है। एक रिपेयर आ गया तो जॉब में प्रॉब्लम होता है, लाइफ टाइम प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है, मे बी जॉब में प्रॉब्लम इज ए फ्रेशर हो सकता है, परसेंटेज कम हो जाता है उसमें और प्रॉब्लम होता है, परसेंटेज बहुत मैटर करता है मेरे भाई, ये झूठ बोला इसने बोला मैटर नहीं करता है। स्किल तो आएगा, पढ़ने का सिखाऊंगा, एज वेल एज आप कैसे इंग्लिश बोलोगे भी सिखाऊंगा इस प्रोग्राम के अंदर। ये फ्री है जो बच्चे बाय करेंगे काउंसलिंग सारे कोर्सेस। ग्राफिक डिजाइन वेडिंग आ रहा है, फ्री है, जावा पाइथन भी आएगा, वो भी फ्री है आप लोगों के लिए। सो एक्शन लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है और फर्स्ट में लिंक है, ओनली फॉर नेक्स्ट 46 स्टूडेंट्स, इससे बढ़िया ऑफर आपको और नहीं मिलेगा। सो कंसल्ट, मेक योर ओन पाथ सो दैट यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ, सो दैट योर फ्यूचर विल ब्राइट, AI प्रूफ। आगे बढ़ते हैं जी, सो डिस्क्रिप्शन लिंक है और फर्स्ट कॉइन लिंक डाल दूंगा, जरूर जाइएगा, बाय करो और मिलते हैं लाइव। सो भाई क्या करें आप ताकि आपका जॉब जो है AI प्रूफ हो जाए? AI प्रूफ के लिए क्या करेंगे आप? व्हाट यू शुड डू फॉर AI प्रूफ?
पहली बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है भाई? इसमें एक चीज है, ह्यूमन जैसा थिंकिंग आ जाएगा, ह्यूमन जैसा टेंडेंसी आ जाएगा, फिर आप काम वो कर पाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? देखो, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, पॉसिबल तो कुछ भी है। अगर जिस दिन ऐसा हो गया, सबसे ज्यादा धक्का पता है किसको मिलेगा? हेल्थ केयर को मिलेगा। हेल्थ केयर में जो पैसे कमा रहे थे एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कर करके, भाई ये फील्ड आएगा, एकदम से बता देगा इसको ये होने वाला, उसको होने वाला, चल भाई तू ये कर ले, वो कर ले, तेरे को नहीं होगा। तो हेल्थ केयर में बहुत बेनिफिट्स ही मिलेगा, और जो उसके पैसे कमा रहे थे उनको नुकसान होने वाला है। हेल्थ केयर में आएगा, प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा और एक क्या है भाई, पहले हेल्थ केयर में आपका ऐसा होगा, हेल्थ केयर में बेनिफिट्स मिलेगा लोगों को। दूसरा किस में फायदा मिलेगा आपको? दूसरा किस में फायदा मिलेगा आपको? जो भाई बेसिकली अभी क्या है, आपको बता रहा हूं मैं, एक कंपनी है, एक कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, वो क्या करती है, हेल्प करती है बच्चों को असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। इसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है ऑलरेडी, लोग यूज कर रहे हैं। तो भाई लोग जाते हैं चैट जीपीटी में और बोलते हैं ये चीज ए ऐसे मेरे लिख दी, ये तो बहुत अच्छे से लिख रहा है भाई। तो यूएस में जो कंपनीज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे जो आपका असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए, वो कंपनी का बेड़ा गर्क हो रहा है, मतलब वो कंपनी डाउन जा रहे हैं और डाउन जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस चैट जीपीटी थिंग, और इसके ऐसे और भी चीज निकल रहे हैं। तो ये जो बेसिकली कंपनी तो डूब ही रही है, लेकिन कंपनी में जो काम करते हैं वो भी डूब रहे हैं भाई साथ में। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा, तो भाई इसका सलूशन क्या है जो इस फील्ड में जाने का सोच रहे हैं या फिर हैं? भाई आप क्या कर रहे थे, असाइनमेंट का सलूशन प्रोवाइड कर रहे थे। आप ऐसे काम करो जो एआई कर ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल देता हूँ, असाइनमेंट सोल्यूशन देने से बेटर आप वीडियो सोल्यूशंस दो जो एआई कभी भी बहुत अच्छे से दे नहीं सकता। अभी 50 साल तो भूल ही जाओ, उसके बाद क्या होगा बताना मुश्किल है। बिकॉज अभी मैंने देखा जो वीडियो बना के एआई दे रही है भाई, मजेदार नहीं है, एक्सप्रेशन वैसा आ ही नहीं पाएगा जो एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं। उस लेवल का इमोशन उसके अंदर अभी आ ही नहीं सकता। 50 साल बाद क्या होगा भाई, हम क्या जाने तब जाने भाई जो होगा। 50 साल पहले किसको पता कि नेट आएगा, ऐसे होगा, यहाँ जो बात करेगा वहां हो जाएगा। अब 50 साल बाद क्या होगा मुझे क्या पता। हाँ, 50 साल तक ऐसा हुआ भी तो नए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपको फ्यूचर प्रूफ बनाना है अपने आप को, तो क्या करेंगे भाई? अगर आप सीएससी फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल से हैं, ऑलरेडी भाई आपको बता दूं एआई जैसे काम, रोबोट्स जैसे काम, रोबोट्स वाला काम ऑलरेडी 10 साल से चल रहा है, बहुत अच्छे रेपुटेशन हो चुके हैं बहुत सारे कंट्रीज में। मतलब पहले क्या था, ऐसे घुमा घुमा के लोग करते थे सीएनसी मशीन में ऐसे ऐसे, अब क्या भाई अपना रॉ मटेरियल डालो, अपने आप वो घुमा के सही करके दे देगा, ले उठा ले रख ले अपने पास, जो अपना जो प्रोडक्ट है निकाल लो, रॉ मटेरियल डालो, प्रोग्राम निकाल लो। तो लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा वाले क्या करते हैं, लाते हैं डालते हैं, हो गया चल भाई निकाल कर रख, कुछ दिन बाद क्या होगा बता देता हूँ, बस चेक करते हैं थोड़ा सा, कुछ दिन में रोबोट आएगा उसको निकाल के रख देगा, लगा भी देगा, ऐसा हो चुका है बहुत जगह पर, फिर नौकरी उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, बट कहीं और नौकरी ढूंढ लेगा वो जब स्किल होगा। तो वो तो फील्ड भाई थोड़ा सा फुल प्रूफ है, बिकॉज उस तरह का रोबोट इंप्लीमेंट करना हर इंडस्ट्री में बड़ा मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसके लिए, उसका जॉब्स निकलते हैं, जॉब्स उसका फिर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये बात सच है। बट आपको बचना चाहिए ऐसे काम से जिसमें आपके इंटेलिजेंस का यूज नहीं है। जितना स्ट्रांग यूज होगा आपका इंटेलिजेंस, उतना ज्यादा सेफ फील्ड है, उतना ज्यादा पैसा है, उतना ज्यादा नाम है, स्ट्रांग फील्ड, ठीक है। और भाई आप कुछ ना करो, कुछ करो, आप जॉब कर रहे हैं तो भाई आपका सेकेंड इनकम मतलब और इनकम सोर्सेस होना चाहिए, सेकेंड इनकम या फिर थर्ड इनकम भाई। और एक बात, जॉब मिलते ही बाय गॉड महंगे महंगे कार मर खरीद मत लेना ईएमआई पर, फालतू अपना टाइम, मतलब कार खरीदना ईएमआई पर बहुत महंगा, मतलब क्या भाई, जब जरूरत नहीं क्यों खरीदना यार, क्यों खर्चा करना, नहीं खरीदना है, समझ रहे हो? बहुत सारे मेरे दोस्त खरीदते हैं, फिर पेट्रोल डालने का पैसा नहीं होता ढंग से, घर में खड़ी रहती है, गाड़ी खराब हो जाती है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्या करते हैं ईएमआई पर 2 लाख का 1.5 लाख का मोबाइल ले लेते हैं,
क्या करेगा भाई उसका, क्या करोगे आप बताओ, ऐसा नहीं करना है। अभी भी देखो मेरे पास है वो 17 शेयर वाला, लेकिन उसको यूज़ नहीं करता मैं, वो एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। डर लगता है यार, गिर गुर गया तो फालतू का पैसे इतना खर्चा हो जाएगा, 30 हज़ार का, 20-30 हज़ार तो उसका ये आएगा, ग्लास प्लास क्या बोलते हैं, टस्किन आएगा। ठीक है, मैं फिर एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, 15 हज़ार का वैसे चलो मज़ लो, ठीक है सारा काम हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट, आप अगर AI फील्ड को असिस्ट कर दो तो, बिकॉज AI को बनाने के लिए लोग तो चाहिए, तो उसमें क्या क्या चाहिए भाई, मशीन लर्निंग चाहिए, डेटा साइंस चाहिए, मैकेट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, समझ रहे हो, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स चाहिए, या फिर जो डेटा साइंस में आया था मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए जो मैकेनिकल वाला करेगा, ठीक है, आर्किटेक्ट चाहिए जो सिस्टम को डिजाइन करेगा। इन फील्ड में चले जाएं तो बढ़िया हो जाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब चला जाएगा? नहीं भाई, नहीं जाने वाला भी। जो ChatGPT है मैं देखता हूँ, मैं सर्च कराया बहुत सारी चीज़ें, बहुत गलत उल्टा पुल्टा दे रहा है चीज़ें, अभी वो फुल प्रूफ नहीं है, वो होने का चांसेस बहुत कम है मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा एरर आएगा। तो हाँ हो सकता है जो नंबर ऑफ जॉब्स निकल रहे थे वो कम हो सकते हैं, मार्केट में अच्छे जॉब के लिए के कंपटीशन बढ़ सकता है, बट जॉब्स रहेंगे, पैसे लोगों को और मिलेगा, बिकॉज जो बंदा एवल है, अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो बढ़िया कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉब्स का, लेकिन ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां पर आपसे 20 लाख रुपया ले लिया जाता है और 4 लाख रुपया का नौकरी दे दिया जाता था एवरेज में, यहां पर मे भी आप प्रॉब्लम फेस करें, आप रिस्क लेना ले सकते हो। जब रिस्क लोगे तो भाई जो बोला इस पर ध्यान देना, स्ट्रांग जहां पर अपना मेंटल इंटेलिजेंस का यूज होगा वो काम करो। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होता है बहुत जगह पर, ऐसे काम करें जिसमें ग्रोथ भी है, नॉलेज भी है लगता है, और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, फिर आपका पैसा जरूर आएगा। सो कुल मिला के अगर बात करूंगा, सपने जाएगा नहीं जाएगा, यस और नो का आंसर है भाई, हाँ जाएगा भी नहीं भी जाएगा, इट इज ऑन यू, आप कैसे जो को लेते हो। पहले क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब गए हैं? गए हैं भाई, रिसेशन के वजह से गए हैं, अगर आप आउटडेटेड ऑब्सोलेट हुए तो कंपनी को जॉब जाएगा, ये प्रॉब्लम तो है प्राइवेट इंडस्ट्री में, इसीलिए इंडिया में बहुत सारे जगह पर, मैक्सिमम जगह पर लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब। भाई देखो आपका चॉइस है, गवर्नमेंट जॉब करना है करो, प्राइवेट जॉब करना है करो, आपकी मर्जी है, सब जगह पर ठीक ठाक फ्यूचर है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। बट मेरा क्या बोलने का मतलब है, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो आपके पास प्लान बी अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि अगर मान लो आपका एक जाता है और एक मिल जाए, सो ऑलवेज रेडी रखना अपने आप को, डायनामिक रखना, बैठने मत देना, और जैसे पैसे देखो प्राइवेट जॉब में पैसे जैसे कमा रहे हो खर्चा मत करो, उसको यूज़ करो ताकि आप सेकेंड और थर्ड इनकम बना पाओ, और सेकेंड और थर्ड इनकम नेक्स्ट 10 साल नौकरी करने के बाद ऐसा होना चाहिए ताकि आपका नौकरी ना रहे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस इनकम से आपका घर बढ़िया से चल सकता है, अगर आप ऐसा सोचेंगे नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसे काफ़ी लोग करें, आप भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे करियर सेशन में, डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट में लिंक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।